डिस्ट्रॉय एल माई टीम बेस। व्हाट? एक सेकंड, तुम मरे क्यों नहीं? ये हूँ मैं, करंटली डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ हार्ट्स इन दिस लाइव स्टिल एसएमपी। लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? तो वेल, ये जानने के लिए तो मैं देखना होगा इस वीडियो को लास्ट तक। गाइस, जिस हिसाब से आप लोगों ने सुना कि ऑपरेटर ने बोला कि अपने आर्मर और सारे ये स्वॉर्ड और टूल यूज नहीं करना है, तो सबके साथ अपने आर्मर और ये टूल्स वगैरह हटा दो। आई नो, तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूँ। यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला ऑपरेटर था, जो कि सबको इलीगल सामान बांटता था, जैसे बेडरॉक, बैरियर ब्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसी को देखकर हमारे सारे एसएमपी मेंबर्स ने एक नया ऑपरेटर बनाने का डिसाइड किया। तो उसी के लिए वोटिंग हुई, जिसमें हमारा पुराना ऑपरेटर हार गया एंड हमारा नया ऑपरेटर बन गया, जिसका नाम था रूलर। बट हमारा जो नया ऑपरेटर यानी कि रूलर था, वो चाहता था कि एसएमपी में कुछ दिन के लिए पीस रहे, दैट्स व्हाई सब लोग अपना आर्मर उतार रहे थे। गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली आ चुका हूँ डेडली में। और एक मिनट, मेरे को डेडली बहुत ज़्यादा ही चेंज लग रही है। ओ भाई भाई भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा एक कासल बना दिया किसी ने, एंड मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज लग रही है। लेकिन ये स्पॉन पूरा ही चेंज कर दिया, पता नहीं भाई नए रूलर ने क्या कर रखा है सर्वर में। मैंने भी जब ये पहली बार देखा था, मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी पूछताछ की, तब मेरे को पता पड़ा कि जो हमारी एसएमपी हर महीने मेंटेनेंस में जाती है, उस दौरान चंक्स में कुछ गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है, तो उसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे नए बिल्ड्स बना दिए गए। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन सारे नए बिल्ड्स में से हमारे टीम का कोई भी बेस नहीं है, बिकॉज हम पे पहले भी कोई बेस नहीं था, जो हमारा बेस था वो फोड़ दिया गया था। तो सबसे पहले मेरे को अपनी टीम के लिए एक सीक्रेट बेस बनाना होगा, यहाँ पे हम सारा अपना सामान रख सके। एंड सीक्रेट बेस मैं कहाँ बनाऊंगा, वो मैंने लोकेशन पहले ही फाइंड कर, जो मेरा बहुत पुराना सीक्रेट बेस था जब मैंने किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं किया था, वही मेरी जगह खाली ली है, एंड मैं उसी जगह पे अपना सीक्रेट बेस बनाने वाला हूँ। तो लेट्स गो, चलते हैं उस लोकेशन पे। को वो एक मिनट, ये क्या है भाई? लिटरली ये जगह पूरी खाली थी, बस मैंने इसे इतना माइन करके छोड़ दिया था। मैंने सोचा था इन फ्यूचर्स में सीक्रेट बेस बनाऊंगा या अपना बेस बनाऊंगा, बिकॉज तब मैं किसी भी टीम में नहीं था। बट अभी आया और ये देखो इसके अंदर भाई क्या बन गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये लिटरली क्या है। बट यहाँ पे एक लैक्टन है और कुछ शल्कर्स है, तो आओ देखते हैं इनमें है क्या आखिर। एक मिनट, गिफ्ट फॉर यू है भाई? कौन मेरे को गिफ्ट दे रहा है? इन एडवांस मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है मिस्टर ब्लैक। एक मिनट भाई, मिस्टर ब्लैक। लेकिन भाई इसके बारे में मैंने सुना है बहुत, ये हमारी एसएमपी में क्लियर है जो कि अननोन है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बट उसे यहाँ के कॉर्ड्स कैसे मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं बता रखी एसएमपी में, एंड ये मेरे लिए इसने गिफ्ट बोला है, तो मतलब इसमें कुछ सामान होगा जरूर। भाई एक मिनट भाई, ये देखो इंचाइटेड एप्पल और भाई आर्मर फुल इंचाइट भाई। उसके अलावा तुम देखो इसमें एमेथिस लगाया साइलेंस आर्मर ट्रिम में, जो आर्मर मैं सेम यूज करता हूँ, एज यू कैन सी भाई सेम आर्मर मेरे मेरा वाला जो मैं यूज करता हूँ इसमें है। एंड इसमें ओ सारे इतने सारे नॉच, ओ भाई भाई एप्पल, एक हार्ट रखने का क्या सेंस है भाई? इसमें क्या है? इसमें भी सेम है। एक मिनट, इसमें किट है, लेकिन रेड वाले शेल्कर में क्या है? ओ तेरी भाई, इतने सारे हार्ट भाई कहाँ से आ रहे हैं ये? ये देखो भाई, दो शेल्कर भर के हार्ट। बट एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं ब्लैक का टास्क करे, बिकॉज पता नहीं मेरा मन नहीं है करने का, दैट्स वाई उसने मेरे को ये इसलिए दिया बिकॉज ताकि मैं उसका टास्क करूं। लेकिन बट मैं उसका टास्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई मेरे को इसको भी नहीं लेना चाहिए, एंड मैं सबको ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं। ओ शैडो भाई, बोलो बोलो, आ गए? तो देखो ये क्या बना है ये? अरे बेसिकली मैंने तुम्हें इसी को पार करने के लिए बुलाया है, इसे तुम्हें कंप्लीट करना है। मेरे को क्या मिलेगा इसे पार करके? सुनो, देखो इसका मतलब, अगर तुम इसे पार करते हो तो इसका जो ट्रेजर रूम है उसके अंदर 30 हार्ट्स रखे हैं, जो कि तुम्हें मिल जाएंगे। एक ट्विस्ट है कि इसे जो मतलब गेम इसे खेलने का है चार्ज है, जो कि है 20 हार्ट्स,
तो तुम्हें मेरे को पहले 20 आइस देने होंगे, तब तुम इसे खेल पाओगे, और अगर है तुम में पास कर सकते हो तुम, तो तुम्हें 30 आइस मिल जाएंगे, अदरवाइज या ओ इतना कॉन्फिडेंस भाई, तब भी एक हार्ट कम दिया है। और यहाँ पे सलकर में अपना सारा सामान रख के एंड चेस्ट में रख दो, विदाउट आर्मर करना है इसे। तो टोटम हाथ में ले लो, इस पे खड़े हो जाओ, इस ब्लॉक पे, इसके नीचे ये, हाँ, और अब तुम्हें बस इसे फ्लिक करना है लीवर को। अरे भाई ये कौन आ रहा, पॉइंटेड लग रहा मेरे को, पॉइंटेड भाई। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ पॉइंटेड? मैंने सुना तूने पार्कर बनाया, हाँ, मुझे इसके बारे में क्लास ही ने बताया। ये रहा ना इतना बड़ा, क्या तेरे को हाँ, तो मुझे क्या? भी करना है तो मुझे भी करना है। रुक तो जा, अरे भाई रुक, अरे रुक जा भाई, रुक जा सुन तो ले। इसके भाई रूल्स हैं कुछ, और इसका चार्ज भी है जो कि 20 आर्ट्स, और अगर तू इसे पास करेगा तो तेरे को मिलेंगे 30 आर्ट्स। भाई थोड़ा डिस्काउंट कर दे भाई, भाई थोड़ा डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट चाहिए तेरे को। चल तेरे लिए 19 आर्ट्स, वैसे तो तेरी टीम का जो क्लास ही है वो एक हार्ट मेरे को कम देके गया, 19 आर्ट्स ही देके गया, लेकिन तेरे लिए 15 हार्ट, 15 हार्ट एक दाम, 15 हार्ट इससे कम नहीं होगा। चल दे भाई, ये मेरे हार्ट्स, लीवर फ्लिक कर। हेलो किंग भाई, तो मैंने तुम्हें सारे रूल्स तो बता ही दिए हैं, तो तुम ऐसा करो मेरे को पहले मेरे 20 आर्ट्स दे दो, और उसके बाद तुम इसे पास कर सकते हो। रुक जाओ किंग भाई, मेरे पे पड़े मैं दे देता ना इसको, 20 की जगह ये लो, तुम ये रख लो थोड़े से हमारे तरफ। अरे भाई 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 भाई, इतने के बाद मैंने इसी गेम को किंग भाई के साथ खेला, फिर एलमाइट के साथ खेला, एंड फिर नॉट रेड स्काई के साथ खेला, एंड इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स थे उन सबके साथ खेला, बट किसी ने भी इसे पास नहीं कर पाया। पता है क्यों? बिकॉज मैंने इसे ऐसे डिजाइन किया कि इसे कोई पास कर ही नहीं पाएगा, एंड मैंने इसमें ट्रेजर रूम बनाया ही नहीं था। हेलो क्लासी भाई। हेलो, अरे एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। कैसे? अरे वो क्या है ना, मैं SMP में एक ड्यूपिंग के लिए ट्राई कर रहा था, और उसके चक्कर में मेरे जो हार्ट्स थे वो मैं ड्यूप करने का ट्राई कर रहा था, तो वो मतलब ड्यूपिंग में चले गए, और मेरे पास हार्ट्स है नहीं है, और मेरी टीममेट वैक्स है वो भी ऑफलाइन है, और मेरी टीम में कोई नहीं है, तो अभी मतलब इस टाइम पे ऑनलाइन, तो मेरे को थोड़े हार्ट्स चाहिए थे, क्या दे सकते हो तुम? मुझे सब पता है भाई, तुम सब SMP मेंबर से हार्ट्स ले रहे हो, तो ये हर्ट्स का तुम करोगे क्या ये बताओ पहले तो। वेल तुम्हारे मन में कुछ बात आई या ना आई, ये बात जरूर आ रही होगी कि मैंने इतने सारे हर्ट्स कलेक्ट क्यों किए, एंड मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। तो वेल ये सब तुम्हें जानने के लिए तुम्हें जाना होगा कुछ टाइम पहले। एक मिनट, मेरे को रूलर ने बुलाया है। ओ ये रहा ये रहा ये रहा। हेलो रूलर। हेलो हेलो। हाँ तो क्यों बुलाया आपने मेरे को? तो जैसा तुम लोग जानते हो कि हमारे पुराने ऑपरेटर जो थे, हाँ, इस सर्वर के, हाँ, वो काफी सारे इलीगल आइटम्स लोगों को दिया करते थे, लाइक बेडरॉक्स एंड बैरियर्स ब्लॉक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरह की गलती ना करूँ, हाँ, कोई भी इलीगल आइटम इस असेंबली में नहीं, हाँ, तो वो बेडरॉक्स और बैरियर्स तो मैं हटा दूंगा, लेकिन हाँ, एक काम है जो आपको मैं सौंप रहा हूँ। क्या? आपको इस सर्वर में जितने भी, हाँ, गलती से या फिर गलत करके हार्ट को ड्यूप किया गया है, हाँ, उसको आपको सभी प्लेयर्स से लेके और डिस्ट्रॉय करना चाहे कैसे भी। तो रूलर लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये काम तुमने मेरे को ही क्यों दिया, एलमाइट और किंग भाई को क्यों नहीं दिया? वो तो इस सर्वर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है ना। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए मैं उन्हें नहीं दिया, अगर मैं उनको ये काम दे देता तो वो एक दिन में ये काम जरूर खत्म कर देते, लेकिन उन्हें वो प्लेयर्स को धमका के हर्ट्स लेते और प्लेयर्स पूरे हर्ट्स उनको नहीं देते, वो झूठ भी बोल सकते थे, इसलिए मैं इस सर्वर के पीसफुल प्लेयर के पास आया हूँ कि वो कैसे भी करके पूरे इलीगल हर्ट्स को मेरे पास चला दे। लेकिन एक मिनट, मैं ये करूँगा कैसे? वो मैं नहीं जानता, वो आप खुद देखो। तो या अब तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।
ठीक है तुमको दे तो दूं मैं, ऐसे भी हमारे टीम के पास हर्ट्स की कमी नहीं है, ये लो। हाँ मेरे पास तो इतनी है, पर हमारे टीम के पास हर्ट्स की कमी नहीं है। अरे भाई ये कौन है? हेलो कौन हो भाई? एक मिनट, ये क्या है? टास्क करो। अरे भाई 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 रुक जा भाई, रुक जा, टास्क रुक जा। हाँ तेरे को टास्क करा। भाई बहुत हुआ इसका भाई, ऐसे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। रुक साढ़े रुक, अब बताऊँ तेरे को। अरे जा कहाँ रहा है? ओ भाई निकल गया, भाग गया, पता नहीं कौन था, मेरे को समझ में ही नहीं आया यहाँ पे हुआ क्या। बट बताया सडनली जस्ट मैं यहाँ पे गया एंड मेरे को यहाँ पे मिल गया, एंड मेरे को उसने ये बुक दी एंड जिसमें ये लगा था कि ये देखो टास्क करो और ये कोऑर्डिनेट्स लिखे थे मिस्टर ब्लैक। एंड भाई पता नहीं यार मेरे को नहीं करना टास्क, पता नहीं मेरे क्यों मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मेरे को तो मेरे पास सही टाइम पर 1842, दैट्स व्हाई मैंने उसे भगा दिया। एंड यहाँ पे अगर तुम देखो खोल के तो इसके अंदर एक कॉर्ड्स दिए हैं, एंड मेरे को लगता है कि मेरे को एक बार इन कॉर्ड्स पर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे नीचे एक दिक्कत है कि यहाँ पे पूरे में वाटर है एंड मेरे पास वाटर ब्रीथिंग का पोशन इस टाइम पे नहीं है, तो देखते हैं कुछ करेंगे ट्राई। तो लेट्स गो, कूदते हैं जाओ, लेट्स गो। अबे यार अब कुछ दिख तो नहीं रहा मेरे को, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ है फिर कैसे निकाल रहे का पोशन है, क्या है क्या है पोशन ऑफ भाई वाटर ब्रीथिंग मिल गया वाटर। अरे भाई भाई फेक भाई, लग गया भाई वाटर ब्रीथिंग लग गया। तो गाइस मेरे पास एक मिनट है तो मेरे को इसके अंदर जाना होगा, शायद इसी होल के अंदर है जो भी है। लेट्स गो। यहाँ पे भी एक लेक्टर है यार, शिट यार, एक मिनट इसमें चल गया। डिस्ट्रॉय एलमाइट टीम बेस व्हाट मिस्टर ब्लैक, एक मिनट यार इस बुक को उठाओ भाई। यार ये क्या कराना चाहता है मेरे से, पार तो आ गया हूँ, बट देखो यहाँ पे मेरे को एक बुक मिली है जिसमें लिखा है डिस्ट्रॉय एलमाइट टीम बेस मिस्टर ब्लैक। बट ब्लैक एलमाइट का बेस डिस्ट्रॉय क्यों कराएगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड उसे करा के ये मिलेगा क्या? एंड इस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज है, एंड मेरे को पता है कि एक ही आदमी है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देख मैं तेरे से यहाँ से एक मतलब काम से आया हूँ, तो तेरे को पता होगा कि तूने इस SMP में ब्लैक को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब सबसे पहले ब्लैक ने तेरे को ही टास्क दिया था शायद जितना मेरे को पता है। तो मेरे को एक कन्फ्यूजन है, तो मेरे को उसी को दूर करने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। तो तेरे पास कोई ऐसी बुक पड़ी है जिसमें मतलब ब्लैक ने तेरे को टास्क दिया हो या वो तेरे को बुक दी हो? बता मतलब। हाँ रुक जा मेरे एंडर जस्ट में होगी, रुक जा तो देख अगर हो तो। लेट्स गो, प्लीज प्लीज मिल जाए बुक। हाँ एक पड़ी, रुक जा, दे भाई रुक जा, ये तो नहीं है भाई, इसको हटाऊं पहले। ये रही। तुझे चाहिए क्यों वो तो बताना, बस मेरे को कुछ चेक करना है। एक मिनट, इसमें मिस्टर ब्लैक के सब कुछ लिखा क्यों नहीं है? अरे उसने मुझे एक टास्क दिया था ना, वो बहुत ज्यादा सीक्रेट था तो मैंने वो मिटा के दे दिया तुझे। अच्छा बस तूने उस टास्क को ही मिटाया और उसके अलावा कुछ नहीं किया चेंजेस है ना? नहीं मैं बस उसका नाम तो मिटा ही नहीं सकता मैं तो। ओ भाई तो कुछ चीज तुमने नोटिस की, दे पॉइंटेड भाई मेरा काम हो गया, तो तू ये ले अपनी बुक। अरे सुन ब्लैक ने मुझे तेरे लिए और एक बुक दी है, मेरे मतलब लिए मैं ब्लैक जब बेस ने पे घूम रहा था ब्लैक के मतलब हमारे। अच्छा तो हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए। तो भाई कौन सी बुक ब्लैक ने दी? हेलो भाई इसमें क्या लिखा है? हेलो शैडो गेमर मॉब, मैं इस SMP में एक टीम बना रहा हूँ, हमारी टीम में आने के लिए बेस्ट ऑप्शन लगे तो अगर तुम ये आर्मर पहन लोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर ली। बट अगर तुम अगर एक बार इस आर्मर को पहन लोगे
फिर तुम उतार नहीं सकते, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरी टीम में कौन कौन है। देयरफॉर डू नॉट वियर दिस आर्मर मिस्टर ब्लैक। ओ भाई एक मिनट मेरे को ये बता, लेकिन ये आर्मर है कहाँ? ये रहा तुम्हारा, ये मेरे पास है, मैं लेके आया था तुम्हारे लिए। रुक जाओ, ये वाला, ये तुम्हारा चेस्ट प्लेट, ये तुम्हारी लेगी ना, मुझे ना देना टीम में। अरे भाई एक मिनट ये बता, मैं इस आर्मर को रख सकता हूँ अभी? मतलब मैं चाहूँ तो अभी नहीं पहनूं, से बाद में वो एंड्रेजेस में रख। सुन मतलब तूने ज्वाइन कर लिया टीम? हाँ मैं रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए। डरने की तो कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें क्लासिक की बात याद हो तो उसने बहुत बार बोला था कि उसकी टीम के पास हार्ट्स की कमी नहीं है। तो एलमेट मैंने तुमको यहाँ पे एक चैलेंज के लिए बुलाया है। कैसा चैलेंज? तो चैलेंज ये है कि तुम्हें मेरे को एक मिनट के अंदर मारना है, जिसमें मैं शील्ड यूज नहीं करूंगा, पल यूज नहीं करूंगा। एंड अगर तुमने मेरे को मार दिया तो मेरे पास जितने भी हार्ट्स हैं जो मैंने अपने उस ट्रैप से जो भी से उससे सारे प्लेयर से कलेक्ट किया वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुमने मेरे को नहीं मार पाया तो तुम्हारे पास जितने भी हार्ट्स हैं तुम्हारी पूरी टीम के पास, वो तुम मेरे को दे दोगे। तो रेडी हो पिटने के लिए? हाँ हाँ देखेंगे भाई कौन पिटेगा। अभी ये सब तो ठीक है, बट टाइम और लोकेशन मेरी होगी। एक सेकेंड, तुम मरे क्यों नहीं? वो छोड़ो, मैं तुम्हारे को कॉर्ड्स डीएम कर दे रहा हूँ, वहाँ पे वो सामान रखा हुआ है। आई नो तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो मेरे पास इतने सारे हार्ट कैसे आए, लेकिन रूलर मेरे को इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस टाइम पे मेरे पे एसएमपी के ऑलमोस्ट सारे हार्ट्स हैं, एंड मैं ऑलमोस्ट सारे हार्ट्स इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम्हें याद हो हम वीडियो में स्टार्टिंग में आए थे इस लोकेशन पे, यहाँ पे हमें बहुत सारे इलीगल हार्ट्स मिले थे जो कि हमें एक फेक ब्लैक ने दिए थे। एंड रूलर ने मेरे से कहा था कि सारे इलीगल हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो हार्ट्स हैं मेरे को उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना है। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से सारे हार्ट्स लेने के लिए, एंड उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए लेते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ इन सबको भी ले लो, इन किट्स को, क्योंकि मेरे को बाद में काम आएगी। लेट्स गो, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये रहे वो सारे सर्कल जिसमें भरे हुए सारे के सारे इलीगल हार्ट्स इस डेडली एसएमपी के। बट इन सबको डिस्ट्रॉय करने से पहले मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है, तो तुम दे देखो इस वाले शल्कर में है ये है पूरी एसएमपी के होल हार्ट्स, जितने उन पर इलीगल हार्ट्स थे या फिर हार्ट्स थे, मतलब वो सारे हार्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे इलीगल ही हैं ये समझ लो। एंड इसके अलावा ये सारे जो भी जितने भी शल्कर्स देख रहे हो उनमें से दो शल्कर भर के मेरे को दिए थे फेक ब्लैक ने इलीगल हार्ट्स। एंड इसके अलावा जो पाँच शल्कर थे इन सब में एलमाइट की टीम के इलीगल हार्ट्स, जो कि तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा होते हैं। एंड अब मैं इन सारे हार्ट्स को इस लावा में डालने वाला हूँ। एंड ओ भाई 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 ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा? लिटरली मैंने बहुत थोड़ा सा मतलब ट्राई किया कुछ ना कुछ करने का, बट ये जा नहीं रहे। एंड मेरे को लगता है कि जितना मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट हम करेंगे उसमें ये सारे हार्ट्स चले जाने चाहिए, मतलब डिस्पॉन हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े से टीएनटी लाया हूँ, तो उन्हें लगा के देखते हैं अगर ये होते हैं तो, पता नहीं भाई होंगे या नहीं होंगे, वे तो होना चाहिए। तो पढ़ता हूँ